वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग आज के लेक्चर में हम देखेंगे केस स्टडी क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस uh, हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज केस स्टडी अ केस स्टडी इज एन एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन व्हेन यू वांट टू गेन कॉन्टेक्चुअल इन डेप्थ नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट इट अलाउस यू टू एक्सप्लोर द की कैरेक्टेरिस्टिक्स मीनिंग्स एंड इंप्लिकेशंस ऑफ द केस बेसिकली केस स्टडी हमारे पास क्या होती है हमें किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रेजेंट पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में जो भी हमने आ, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उसके सरकमस्टांसिस हैं उसकी जो सिचुएशंस हैं उन सब चीज़ों को इन डेप्थ अगर हमने देखना हो तो हम जो है उसकी उसको जो है केस स्टडी में कवर करते हैं इसकी आप एग्जांपल इस तरह भी देख सकते हैं केस स्टडी ऑफ आईफोन एक्स मार्केटिंग कैंपेन इसी तरह केस स्टडी ऑन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड देन केस स्टडी ऑन फेसबुक इन सब केस स्टडीज में आप देख सकते हैं कि आपको स्टार्ट टू एंड इन डेप्थ कंप्लीट नॉलेज मिलता है हर चीज़ का कि किस किस uh, किस तरह इसका स्टार्ट हुआ जैसे हम फेसबुक की बात कर लेते हैं किस तरह फेसबुक स्टार्ट में आई देन इसमें क्या क्या चेंजेस आए क्या क्या सर्टम स्टांसेज थे किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा और अब जो है इसका जो फ्यूचर है फेसबुक का वो भी हमें पता है कि वो बहुत ब्राइट है तो इन इस तरह हम केस स्टडी में एक स्पेसिफिक एक ही चीज की कंप्लीट इन डेप्थ जो है हम डिटेल देखते हैं तो उसे हम केस स्टडी में काउंट करते हैं एडवांटेजेस क्या है के? इसमें आपको स्टडी बहुत करना पड़ता है और जो कि अब ये कह सकते हैं कि मोर देन जितना आपने डिफाइन किया उससे भी ज्यादा आपको इसमें बताना पड़ता है फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिल्ड ट्रस्ट केस स्टडी के थ्रू आप अगर बिल्कुल अथेंटिक जो है फैक्चुअल डेटा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑडियंस को तो आप एक ट्रस्ट का जो रिलेशन है उनके साथ वो बिल्ड कर पाते हैं प्रोवाइड डिटेल्ड एंड रिच क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इसमें आप एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो होती है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप हर तरह के जो पर्सपेक्टिव हैं उसको कवर कर रहे होते हैं जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास टैकल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट इट प्रोवाइड्स एन इंक्रीज इन नॉलेज और इससे आपका जो नॉलेज है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है जब आप इतनी रिसर्च करते हैं किसी चीज के बारे में डेटा जनरलाइजेशन इज पॉसिबल यूजिंग द केस स्टडी मैथड और डाटा जनरलाइजेशन जो है वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं देन इट ऑफर्स कम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू रिसर्च नेक्स्ट हमारे पास है केस स्टडी हेल्प कन्वर्ट क्लाइंट्स ऑब्जर्वेशन इन टू यूजल डाटा आप जो क्लाइंट्स का जो डाटा होता है उसको एक यूजेबल जो मीन के जो उनके लिए वैल्यू रखता हो वो कंटेंट जो उनके लिए एक फ़ायदा मंद कॉन्टेंट जो होता है वो साबित होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं देन प्रोवाइड्स इन फॉर फर्दर रिसर्च और केस स्टडीज ऐसी होती हैं जिन जिनपे आपकी रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती मीन आप उनको कॉन्टिन्यूस फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यू करते हैं क्योंकि केस स्टडीज एक आप ये कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूअस वर्क है ऑफ रिसर्च दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू